और इस वक्त हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल जी हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, और इनसे हम बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में, शक्ति सिंह गोहिल जी, अब आखिरी दांव जमकर लोक चुनाव प्रचार हो रहे हैं, एक सबसे पहला सवाल कि क्या आकलन है आप लोग का, कांग्रेस का क्या आकलन है देश में? देखिए, लोकतंत्र में आखिर जनता मालिक होती है, लोग तय करते हैं। मैं कोई अमित शाह जैसे अहंकारी नहीं हूं कि इतनी सीट ऐसा दावा करूं, पर जिस तरह से 2014 में जुमलों की बारिश हुई थी, बड़े बड़े वायदे किए गए थे और डिलीवरी कुछ नहीं हुई, तो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, समर्थन और वोट कांग्रेस और साथियों के साथ में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश में यूपीए के बड़ी तादाद में लोगों के आशीर्वाद से सीटें निकलेगी। बिहार में हमारा महागठबंधन, जिनको लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहे। सर, एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिस पर विवाद हो रहा है और बीजेपी उसको भुना रही है, कैश करा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है या दिखाई दे रहा है कि किसका कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये संस्कृति नहीं रही है, हमने कभी भी गाली गलौज की राजनीति नहीं की है, इस देश की भी ये संस्कारिता नहीं रही है। ये हुआ कैसे आप सोचिए, अगर मोदी जी को झूठ बोलने की आदत मशहूर ना होती तो किसी को ये बोलने की जरूरत ना होती। एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को जिम्मेवारी के साथ पेश होना चाहिए। इस देश की संस्कृति जिस पे हम सबको नाज है कि एक इंसान जो चल चुका इस दुनिया से, उसको कहीं कंट्रोवर्सी में हम नहीं घिसड़ते, उसकी बुराई नहीं करते। अब ये हर रोज राजीव गांधी जी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को कैसी कैसी भाषा में, विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस दुनिया में नहीं गए, उनके खिलाफ गाली गलौज की भाषा तक प्रधानमंत्री खूब बोले, तो जब एक्शन होता है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन भी आता है। फिर भी हम ऐसी भाषा को कतई, हम इसको अप्रूव नहीं करते, राहुल गांधी जी ना अप्रूव करते हैं। अगर उनको 5 साल काम ही किया है, अच्छा शासन दिया है, तो उसे काम के नाम पे वोट मांगने चाहिए कि देखो मैंने कहा था 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ गए तो वोट दे दो मुझे, मैंने 2 करोड़ नौकरियां कही थी दे दी हैं, दे दो वोट मुझे, मैंने किसान को कहा था कि लागत आती है उसमें बढ़ोतरी कर दूंगा, हो गई दे दो, तो उसके नाम पे नहीं, राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल सकते, तो अब ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तार करवा रही हैं और वहाँ पर जाकर बीजेपी के नेता अमित शाह ने रोड शो किया और जय श्री राम के नारे लगे, वहाँ पर आगजनी हुई, हंगामा मचा, क्या कहेंगे वहाँ पर ममता बनर्जी की जो है तानाशाही, या फिर बीजेपी ने जो हंगामा हुआ, जो आगजनी हुई, तमाम चीज़ों को? देखिए, हमने हिंसा की राजनीति को कभी ही पसंद नहीं किया है, पर जब बौखला जाती है भाजपा, स्पेशली अमित शाह एंड मोदी, तब वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। मैंने गुजरात में भी देखा है, अब इनको लगा है कि यहाँ पे तो बड़ा नुकसान इनको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में नुकसान हो रहा है, बिहार में नुकसान हो रहा है, हर जगह जाओ नुकसान है, उनको वेस्ट बंगाल में उम्मीद थी, वहाँ नहीं हो रहा है, तो जो रोड शो पे आपको मंजूरी नहीं मिली है वहाँ पे आप रोड शो निकालोगे तो पुलिस रोकेगी तो घर्षण होगा तो दंगा करवाया करके वोट बैंक की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति, ये मैं मान रहा हूँ कि भाजपा की बौखलाहट की वजह से। ममता बनर्जी पर मैं यही कहूँगा कि जब संयम नहीं रखती है भाजपा तभी ये दिक्कत होती है, क्यों ना दूसरी पार्टी के साथ हो रहा है, वहाँ लेफ्ट भी है हम भी है, बिना मंजूरी वाले रोड पे निकलोगे और शासन आपको रोकेगा, बीजेपी तो बीजेपी प्रहार, बीजेपी का तो ये कहना है कि ममता डर रही है बीजेपी वापसी करने वाली है पश्चिम। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जो पार्टी पावर में है उसे कानून नहीं तोड़ना चाहिए, आपको पहले मंजूरी लेनी चाहिए और मंजूरी मिलने के बाद ही रोड शो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शक्ति सिंह गोहिल जी थे जो आश्वस्त हैं इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार को लेकर। फिलहाल यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार के लिए जुटे हैं सारे लोग और तमाम तरह की बातचीत हो रही है। कैमरामैन राकेश के साथ वेद प्रकाश, सनमांग लाइव, पटना।